हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा पांचवी का पहला लेसन राख की रस्सी के बारे में सीखेंगे और उसके स्वाध्याय को भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अभी। एवरीवन, आज हम कक्षा पांचवी का लेसन पहला राख की रस्सी के बारे में पढ़ेंगे। लॉन पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनक वसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, लड़की सोच कर बोली। एक तरीका है, उसने भेड़ों के सिंग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की के शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। राख की रस्सी का स्वाध्याय को हम देखेंगे। भोला भाला। एक, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन निर्वाह किस तरह करेगा। ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाते। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था।
तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, उनसे बातचीत करो और उनसे जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने का कारण छोड़ दी। दूसरा, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। क्या आपको पता है? चलो मैं ही आपको बताता हूँ। बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन। थर्ड, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। कौन सी संज्ञा है? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक है जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। जातिवाचक में आएगा धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ख, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। चलो भाई, तो उत्तर, धातु में आएगा सोना, दाल, चावल। भोजन में रोटी, दाल, चावल। शहर में आएगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा में होगा धोती, साड़ी, कमीज। चलो अभी दूसरा, तुम शेर में सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे, था ना सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बिरबल होगा। उत्तर, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कर दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करे। बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सिंगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सिंगों से सजावटी सामान बनाया होगा। बात को कहने का तरीका। एक, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। क,
होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धों के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छंटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुकू, फूद और जी, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम जी नहीं है, तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसे शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों को नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांदान, यानी दावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो इसका उत्तर होगा लोनपो गार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।